आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं यूजर फॉर्म पे कोड कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में। पिछली क्लासेस में हमने बताया था आपको किस तरीके से हम यूजर फॉर्म को यूज करते हैं, किस तरीके से यूजर फॉर्म का हम इस्तेमाल अपने ड्रॉ करते हैं, क्या बेनिफिट्स है इसके बारे में बताया था। अब हम बात करेंगे कि किसी एक्सेल शीट में डेटा यूजर फॉर्म से हम कैसे लाएंगे। तो मैं एक सिंपल सा फॉर्म बनाऊंगा और आपको एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बनाना है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ये मेरे पास डेटा का एक सीट है जिसमें हमारे पास आईडी है, जिसमें डेट है, टाइम है, नेम है, सिटी है, अमाउंट है और इतना ही हम यहाँ करना चाहते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए टैक्स है और टोटल है, चलिए इतना चीज हम ऐड करना चाहते हैं। तो इसलिए हम डेवलपर में जाते हैं, अपने विजुअल बेसिक पे इंसर्ट मॉड्यूल्स को, इसको यूजर फॉर्म को लेते हैं। यूजर फॉर्म को हम अपने हिसाब से साइज देते हैं और देने के बाद यहां से हम सबसे पहले तो यूजर फॉर्म को थोड़ा ऊपर से हेडिंग चेंज करते हैं, यहां लिखते हैं डेटा एंट्री फॉर्म। उसके बाद हम यहां से लेवल लेते हैं, लेवल को ड्रैग करते हैं और यहां पे लिखते हैं डेटा एंट्री फॉर्म 2019। और इसकी यहां हम नीचे फॉन्ट पे जाते हैं और इसको फॉन्ट लेते हैं और यहां पे हम फॉन्ट के साइज को बढ़ा देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं, तो थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसको ड्रैग करेंगे तो एक लाइन में आ जाएगा। ऐसी चीज तो हमने लास्ट क्लास में की थी, बट ऐसे ही डिजाइन करते क्योंकि फाइल लॉस्ट हो गई है मुझे, और मैं वापस यहां पे लिखता हूं आईडी। और यहां पे आईडी का कॉलन है और उसी तरीके से यहां पे हम देते हैं डेट। डेट देने की जरूरत नहीं है, डेट बाय डिफॉल्ट सबमिट जिस दिन होगा उस दिन का डेट आना चाहिए। और यहां पे मैं देता हूं नेम, और यहां नेम के लिए हम कॉलन दे देते हैं। उसके बाद आता है सिटी, यहां सिटी को लिखते हैं हम और फिर हम यहां से सिटी का कॉलन लेते हैं। उसके बाद यहां से हम एक और देते हैं इसका अमाउंट का, और यहां पे अमाउंट का कॉलम देते हैं। फिर यहाँ पे टैक्स, और यहाँ पे एक चीज और है ऊपर में, टैक्स नहीं माफ कीजिएगा, यहाँ पे अमाउंट होगा, अमाउंट, और यहाँ पे टैक्स, यहाँ पे टैक्स और यहाँ पे टोटल, ये दोनों ऑटो कैलकुलेट होने चाहिए। और इसको हमने यहां पे टैक्स बॉक्स में चाहते हैं, सॉरी यहां ये गलत हो गया, हम यहां से
अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, मैं कंट्रोल के साथ इनको सेलेक्ट करता हूँ, फॉर्म में जाता हूँ, अलाइन लेफ्ट करता हूँ। अच्छा सौरभ जी, आपने इस क्या बोलते हैं फॉर्म क्रिएट करके दिया नहीं मुझे, आपको मैंने बोला था ना एक दो फॉर्म बना के भेजने के लिए। जी सर बोला था सर, मैं अब कह रहा था ना मेरा नेट में दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत ही चल रही थी तब से सर। नेट से थोड़ी बनाया था सर, ऐसे ही बनाना था। नेट से ही बनाया था, नहीं मैं उसी में लगा रहा था सर, समय नहीं मिल पाया। ठीक है आप आज करूंगा उसको मैं, आप जो और समझ लूंगा तो आज करूंगा। हाँ तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे बटन देता हूँ, मेरा फॉर्म बन चुका है। यहाँ पे मैं सबमिट, और यहाँ पे मैं एक क्लियर का ये बटन दे देता हूँ, हम ये भी आपको समझाएंगे। दो बटन है, सबसे पहला बात कि यहां जब मेरा फॉर्म लॉगिन फॉर्म जब मेरा फॉर्म इसको ओपन होगा तो मेरा फॉर्म कुछ इस तरह का दिखेगा। अब जैसे आईडी है, ये आईडी बाय डिफॉल्ट आनी चाहिए, और जैसे मैं अमाउंट कुछ लिखूं उसका टैक्स और टोटल ऑटोमेटिकली आने चाहिए, राइट। तो सबसे पहले आईडी बाय डिफॉल्ट होना चाहिए ये चीज। तो जब मैं डबल क्लिक करूं तो यहाँ पे इनिशियलाइज, मतलब जब फॉर्म ओपन हो उसको इनिशियलाइज करता है। देखिए यूजर फॉर्म में आपको इवेंट सिलेक्ट करना जरूरी होता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा आईडी, यहाँ पे वेरिएबल देता हूँ कि डिम आईडी एज ए, एक लॉन्ग है, लॉन्ग इंटीजर टाइप है, और आईडी इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, और उसपे मैंने मैक्स का फॉर्मा लगाया, और मैक्स पे मैंने बोला कि शीट्स, और शीट्स में होगा डेटा, और डेटा शीट के अंदर होगा रेंज, और रेंज होगा आपका ए से लेके ए तक। जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमारा आईडी होगा, आईडी होगा। फिर मैंने लिखा मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू इक्वल टू आईडी प्लस वन, राइट। तो जैसे ही आपका प्ले होगा यहाँ पे वन आएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी चेंज कर सकता है तो सो ये चेंजेबल नहीं होना चाहिए। तो हमने इसकी प्रॉपर्टी में इसको सेलेक्ट करूंगा, और इसकी प्रॉपर्टी जो हमारा है प्रॉपर्टी में जो एक अनेबल करके आपको कहीं पे दिख रहा होगा उसको ट्रू के जगह पे हम फॉल्स करेंगे, और इसको भी सेम करना है तो क्यों ना हम इसी एक ही साथ अनेबल को फॉल्स कर दें और इसको भी अनेबल को फॉल्स कर दें ताकि इसमें भी कोई चेंज ना कर सके। तो अब क्या होगा, प्ले होते ही आपको वन दिखेगा, इस वन को कोई चेंज नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ पे अमाउंट लिखूं तो इसकी टैक्स एंड टोटल कैलकुलेट हो जाना चाहिए। तो हम कैलकुलेट कब करना चाहते हैं, जब अमाउंट में चेंजिंग हो। तो मैं इस पे अमाउंट पे डबल क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे चेंज, यहाँ पे टैक्स प्लस फोर यहाँ आ गया। तो यहाँ पे क्या करना है कि मी डॉट, अब यहाँ पे टैक्स बॉक्स फोर एंड फाइव हमारा, यहाँ पे देखिए फाइव और सिक्स है ना, हाँ टैक्स मी डॉट टैक्स मी मी इट मींस एक्टिव यूजर फॉर्म, याद रखिएगा। जैसे एक्टिव वर्कबुक, एक्टिव सीट, एक्टिव सेल होता है, ऐसी एक्टिव फॉर्म यहाँ पे मी हो जाता है। तो टेक्स्ट बॉक्स फाइव डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स फोर का टेक्स्ट जो है हमारा है वो 18% है। तो यहाँ पे 18% मी 18 डिवाइड हो। बोलिए क्या बोल रहे हैं, मी क्या मतलब सर, क्या है मी, कहां से आया सर? एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म, हेलो एक्टिव फॉर्म, अच्छा एक्टिव फॉर्म, अच्छा वो शो करता है सर। हाँ फिर मी डॉट टेक्स बॉक्स सिक्स डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मी डॉट टेक्स बॉक्स फोर डॉट वैल्यू प्लस मी डॉट टेक्स बॉक्स, टेक्स बॉक्स फाइव डॉट वैल्यू, ये हो गया। तो जब मैं
प्ले करूंगा, तो यहाँ पे अगर मैंने कुछ नंबर लिखा तो देखिए बन रहा है ना सर। अब यहाँ पे प्लस में देखिए क्या हो रहा है, ये प्लस नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ये ज्वाइन हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सेल के अंदर में, फॉर्म के अंदर में टैक्स बॉक्स क्या होता है, टैक्स होता है, समझ गए? तो टैक्स की वैल्यू आपस में जुड़ेगी नहीं, ये कंबाइन होगी प्लस करने से। तो मुझे इसको एक काम करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे वैल, वैल फॉर्मूला होता है, इसको कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को वैल्यू में, समझ गए? वैल स्ट्रिंग को एज ए डबल दिख रहा है ना आपको, डबल में कन्वर्ट करता है। तो मैं एक बार इसको प्ले करके दोबारा चेक करता हूँ कि अगर हमने यहाँ पे दिया, सही है ना, अब रिजल्ट सही है। समझ गए? अब यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं लिया है। तो एरर से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ देंगे कि मी डॉट, सर यहाँ पे डिम अमाउंट, एएमटी अमाउंट, अमाउंट एज ए लॉन्ग, और यहाँ पे हम दे देंगे यहाँ पे कि अमाउंट इक्वल टू मी डॉट टैक्स बॉक्स, नहीं फिर भी दिक्कत होगा ही होगा, छोड़िए इसको हटाइए। इसके लिए हम ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट डाल देंगे, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। सौरभ जी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं आप? कर रहा हूँ सर। अच्छा बोल रहा है, ओके तो यही होगा। पर एक चीज सर, एक सर, हेलो, हाँ बोलिए। एक चीज सर, सर दो दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ आपकी वाली रिकॉर्डिंग में, आपकी डिस्प्ले मेरे लिए ऐसी क्यों आ रही है सर, बहुत धुंधली सी, क्लियरिटी क्यों नहीं आ रही है? मैंने पहले भी कहा था इस बात को, इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी इसलिए नहीं आ रही होगी। नहीं सर, इंटरनेट सही चल रहा है, और भी चीजें तो चल रही है सर मेरी। धुंधली मतलब क्या, समझे नहीं क्या हो रहा है उसमें? मतलब धुंधली जैसे जैसे अपन उसमें देखते हैं ना 3GP वीडियो, रिजोल्यूशन ऐसे अभी भी आ रही है मेरी ऐसी वीडियो आपको? हाँ मुझे आज भी ऐसी दिख रही है सुबह अभी स्टार्टिंग 8 बजे से, मतलब क्लियर शब्द नहीं है। नेक्स्ट टाइम क्या कीजिएगा, जूम को ये कर दीजिएगा, मतलब कि अनइंस्टॉल और फिर दोबारा इंस्टॉल कीजिएगा। अच्छा ठीक है, ऐसा करके देखते सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होगा। ये तो हमने कर लिया, अब हम बात करते हैं अपने डेटा को इसमें भेजने की, राइट? तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के होगा यहाँ पे। तो मैंने लिखा यहाँ पे शीट, और शीट्स में हमने दिया डेटा डॉट रेंज ए 55,000 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू मी डॉट टैक्स बॉक्स 1.value, जैसे एक्सेल में कर देते उसी तरह से होगा। अब टेक्स्ट बॉक्स वगैरह, टेक्स्ट बॉक्स 1 मैंने आईडी, अच्छा उसके नाम, जितने नाम डाले वो आते हैं। हाँ नाम, जैसे अब नाम नहीं पता होगा तो क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दिख जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 1, 1, 2, 3, अच्छा ये जितने भी जो बनाए हैं सर ये सारे वन आते हैं। ठीक है ना, ऐसे टेक्स्ट बॉक्स आप चाहो तो अपना नाम दे सकते हो, दिक्कत है तो यहाँ पे नाम। अच्छा अच्छा ठीक ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये डाल दिया। अब इसमें ये हम दे देते हैं यहाँ पे डेट, क्योंकि अगला जो डेटा में हमारा है डेट का है, यहाँ देखिए डेट है ना हमारे पास, फिर आता है टाइम, तो इसी को हम यहाँ कॉपी करते हैं और यहाँ पे देते हैं 0 और यहाँ हमारा हो जाता है टाइम। टाइम के लिए, अब टाइम के लिए कोई फॉर्मूला तो है नहीं, नाउ है जो कि डेट एंड टाइम दोनों देता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मेट
और यहाँ पे नाउ और फिर यहाँ पे कॉमा देते हैं और फिर यहाँ देते हैं HH/MM/SS, तो टाइम आ जाता है। ठीक है, टाइम के बाद फिर मुझे देना है नेम, मतलब कि टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू, तो यहाँ पे कर देते हैं हम me.textbox2.value, और फिर इसको 2 की जगह पे 3 हो जाएगा यहाँ पे 3। हाँ, फिर वहां पे हम इसको प्ले करते हैं और 3 की जगह पे हो जाएगा 4, टेक्स्ट बॉक्स 2 की जगह पे हो जाएगा 3, और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, 5, 5, और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 3 की जगह पे 4। अब दूसरा चीज आता है कि डेटा में टैक्स है, एम टोटल है, तो टैक्स टोटल तो हम मैनुअल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ना सर? तो इसको आप यहां से एंट्री करवाना चाहो तो करवा सकते हो, अदरवाइज आप इसको ड्रैग करके भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। करवाना चाहते हो तो इसी कोड को आगे कंटिन्यू लिखना है, नहीं करवाना चाहते हो तो आप फॉर्मूला वहां पे दे दें, तो डिपेंड आपके ऊपर करता है। फिर यहाँ पे MSGBox, और मैंने लिख दिया कि हाय डेटा हैव सेंड, राइट। और फिर मुझे सब सारे टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर भी करना है, तो me.textbox1.value इक्वल टू ब्लैंक, वन वन नहीं, टेक्स्ट बॉक्स वन में आईडी यहाँ 2 हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 1+1 यहाँ पे 2 होना चाहिए आईडी ना नेक्स्ट, और me.textbox1 2 sorry 2.value इक्वल टू ब्लैंक। अब क्या इकट्ठे क्लियर हो जाए? इकट्ठे क्लियर नहीं कर सकते, एक ही करना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे 2 और 3 एंड 4, बाकी तो ये दो अपने आप क्लियर हो जाएंगे ना, राइट। तो जैसे कि मैं यहाँ प्ले करता हूँ, एक सिंपल सी इंची करता हूँ, पूजा सिटी में दिल्ली अमाउंट, हाँ, और जैसे मैंने सबमिट किया तो एब्सेंट, डेटा पूरा आ गया ना, लेकिन देखिए एक क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि ये ब्लैंक हुआ ना इस कारण से क्लियर नहीं हुआ, तो इसको भी क्लियर करने का उपाय आपको यहाँ करना पड़ेगा, इसको जीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू फाइव और सिक्स कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 एंड 6। अब प्रॉब्लम क्या है कि सेम कोड जो दिख रहा है आपको, सेम कोड मुझे देना है क्लियर में भी। अब आपको याद है मैंने बताया था कि हम लोग इसका फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, क्यों कब करते हैं, जब आपको एक ही कोड को कई सारे जगहों पे देना हो। आप देखिए यहाँ पे देखिए, एक कोड यहाँ भी है और एक कोड यहाँ भी है, राइट सर? तो फिलहाल तो दो जगह है, लेकिन हो सकता है दो से ज्यादा जगह पे हो, तो यहाँ पे हम देंगे फंक्शन CL(open close) और इस कोड को मैं यहाँ डाल देता हूँ, राइट। तो अब मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ, बस मुझे इस पे इस फंक्शन को अप्लाई करना होगा, जैसे कि C=CL(open close) और सेम यहाँ पे C=(open close). तो हमारा कितना सा लाइन हमारा लिखने से बच गया हम यहाँ पे, क्या सर? हेलो, इसका सर तरीका क्या है? पहले फंक्शन में डालेंगे कि पहले ऐसे आपने बताया तो उसको ऐसे करेंगे? पहले फंक्शन में डालिए ना, उसको कॉल करें, अच्छा, ठीक है? मतलब एक ही फंक्शन से दो तीन जगह कर सकते हैं हाँ उसी काम करो, के। हाँ करो किसी काम को ना। हेलो हेलो, पूछिए। सर, मेरे को एक छोटा सा डाउट है, थोड़ा सा पूछ लूँ मैं? हाँ
सर मैं आपने कल मेरे मैंने आपसे मेड का पूछा था, मेड से तो मेरा निकल गया लेकिन राइट से वो निकल कर नहीं आ रहा सर। राइट से तो निकलेगा, मिड से निकलेगा ना आपको, बीच में मिड से होगा, राइट क्यों निकालेगा फिर? नहीं मेरे को ना एक छोटा सा, मैं आपको डिस्प्ले दिखा देता हूँ, आप पहले क्लास कंप्लीट कर लीजिए। नहीं आप मुझे डेटा भेज दीजिए, आज थोड़ा सा जल्दी है, काम है मुझे, भेज दीजिए, मैं उस पर रिकॉर्डिंग बना के भेज दूंगा। आपको क्या है डेटा दे दीजिए, डेटा के बगल में आपको क्या उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, एक मैनुअल लिख के दे दीजिए, मैं उसका फॉर्मूला बना के भेज दूंगा। सर पता है उसमें क्या है, बस एक छोटा सा यही है, जैसे कि एक पहले कुछ अल्फाबेट दे रखे हैं, फिर बीच में हाइफन देके डेट दे रखी है, फिर हाइफन आप देके मुझे डेटा का सैंपल और क्या चाहिए मुझे बना के भेजिए मेल पे, मैं आपको रिप्लाई कर दूँ, एक वीडियो बना के रिप्लाई कर दूंगा सर। ठीक है सर, मैं अभी भेज दूँ सर? हाँ अभी भेज दीजिए, मैं आपको वीडियो बना के भेज दूंगा थोड़ा देर में, टाइम मिलता है तो। ठीक है सर, ओके सर, ओके। तो ये फाइल मैं आपको सौरभ जी और विकास जी भेज रहा हूँ, आप लोग इस फाइल के ऊपर वर्क करें, एक कॉम्प्लिकेटेड मैक्रो को बनाया, ठीक है सर? ठीक है सर। जैसे आप बनाएंगे उसी हिसाब से हम इसको आगे बढ़े करेंगे सर। आप इस फाइल को भेजो सर। हाँ इस फाइल को मैं आपको अभी भेज देता हूँ। ठीक है सर, तो इसको बनाइए और फटाफट मुझे इसको भेजिए। और बिकाजी जी अपनी सैंपल भेज दीजिए, मैं आपको भेज देता हूँ सर। अभी भेज रहा हूँ सर। ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम पे। ओके बाय। आप लोग जल्दी ज्वाइन कर लिया कीजिए सर थोड़ा सा।